लिए थोड़ी सी बात ध्यान से देखेंगे। होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं, टायरोसिनेस क्यों प्रोड्यूस होता है ज्यादा? बहुत ज्यादा स्किन को धूप लगने से टायरोसिनेस प्रोड्यूस होगा, टायरोसिनेस प्रोड्यूस होने से मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होने से स्किन ज्यादा डार्क होगी और डार्क होगी, और कभी कभी अन इवन प्रोडक्शन मेलानिन का पूरे चेहरे पे अलग अलग जगह होने से एशियन पेंट का शेड कार्ड हमारे साथ ही रहता है कि नहीं? आंखों के नीचे डार्क है, कभी यहां डार्क है, कभी यहां डार्क है, ये होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से टायरोसिनेस प्रोड्यूस होता है, टायरोसिनेस से उस एरिया में मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जैसे मेलानिन ज्यादा बनेगा वो एरिया जो है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके, पोल्यूशन। पोल्यूशन कहां नहीं है? क्वेश्चन ये है, पोल्यूशन हर जगह मौजूद है। सबसे बड़ा पोल्यूशन है स्किन के लिए हार्मफुल, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, कभी कभी वाटर पोल्यूशन भी नटता है कि जिस पानी से हम नहाते हैं अगर उसमें कहीं केमिकल होगा तो वो भी नुकसान करेगा। उसके अलावा जो साबुन से आप नहाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ केमिकल होगा वो आपको नुकसान करेगा, तो वो इनडायरेक्ट केमिकल पोल्यूशन आपको स्किन को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को हैबिट होती है, खास करके आदमियों को, सिगरेट है, तंबाकू है, ड्रिंक है। इन दिनों तो लड़कियों ने भी बड़ी अपने स्टाइल बनाई है, कई जगह से बड़े स्टाइल में सिगरेट पीना। आदमी लोग को तो आता ही नहीं सिगरेट पीना कैसे, हमने देखा। लड़की लोग की स्टाइल ही अनोखी है सिगरेट पीने की, कई जगह हमने देखा। इसका मतलब लेडीज हर जगह नंबर वन रह सकती है, कहने का मतलब यह है मेरा। ओके, स्ट्रेस। स्ट्रेस का रोल हमारे स्किन के साथ बहुत ही गहरा है। जब हम स्ट्रेस में आएंगे तो टायरोसिनेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टायरोसिनेस ज्यादा प्रोड्यूस होने से मेलानिन ज्यादा बनेगा। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको पैदा होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। स्ट्रेस एक अंडरस्टैंडिंग से ही चेंज होता है, स्ट्रेस के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। स्ट्रेस का बहुत सिंपल है, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं इस पे। तो आपको रिक्शा नहीं मिल रही, आपके अंदर हलचल हो रही है, आपको कहीं लेट हो रहा है तो हलचल हो रही है, दो आदमी बात करें तो हलचल हो रही है, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को कोई भी जीत नहीं सकता है, फिर लगातार प्रैक्टिस 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 करके आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हस्बैंड वाइफ को शादी में जाना है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड जल्दी तैयार हो गया कि उसको कुछ मेकअप ही नहीं करने का है, अब वो स्ट्रेस में आ गया कि अभी कब निकलेगी बाहर, तो आदमी को स्ट्रेस हो रहा है, तो बार बार बोलता है चलना चलना चल, अरे रुको ना, ये चलते रहता है डायलॉग। उस दौरान क्रिएट आदमी के अंदर स्ट्रेस होता है, लेडीज के अंदर भी होता है। वो स्ट्रेस में लिपस्टिक बराबर नहीं लगा पाती है, आईलाइनर बराबर नहीं लगा पाती है, फिर उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ये सारे प्रॉब्लम स्ट्रेस, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो ऐसे ही पैदा होते रहता है, उसको अवॉइड करना। स्ट्रेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। हाई बीपी, डायबिटीज, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, फिर क्या है, लैक ऑफ स्लीप। अब दो तरीके से प्रॉब्लम है सोने का, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, यानी उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। नींद नहीं आने की एक वजह है कि आदमी मेहनत नहीं करता है, थकेगा तो नींद आएगा। एक आदमी को शरीर में कुछ बीमारी है जिससे उसके केमिकल इंबैलेंस है, नींद नहीं आती है, और एक आदमी को नींद आ रही है लेकिन ये गपशप यानी व्हाट्सएप उसे सोने नहीं देता। लगा है आदमी, तो हम नींद को बेचकर कंप्यूटर पे बैठते हैं, नींद को बेचकर ये करते हैं। कभी कभी आदमी गप्पे मारने बैठ जाता है, नींद नहीं आती, गप्पे मारा क्योंकि दो आदमी को नींद नहीं रही, वो गप्पे मारे आपको नींद आ रही है, आप नींद को खींच के गप्पे मार रहे हैं। और इस तरह हम जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेस्ट होता है। दुनिया की सबसे बड़ी दवा नींद होती है, इसलिए हर आदमी ने एटलीस्ट 6 घंटा अच्छी नींद लेनी चाहिए, 6 घंटा आदमी ने, और लेडीज ने जिसकी एक उम्र 30 क्रॉस हो गई है, उसके कम उम्र वाले ने 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। नींद एक दवाई है, नींद अपने आप में एक दवाई है, और नींद अगर लेते हो तो कई बीमारी ऐसी है तब जाके दवाई भी काम करती है। नींद ही नहीं रहेगी, दवाई काम नहीं करेगी। हार्मोनल चेंज, स्ट्रेस का संबंध हार्मोनल चेंज के साथ है। स्ट्रेस का प्रभाव गिरता है हार्मोनल चेंज पे, प्लस उम्र बढ़ने के साथ भी हार्मोनल चेंज होता है। तो हार्मोनल चेंज, जैसे किसी को थायराइड हो गया, आज तक साइंस के पास थायराइड के लिए कोई कारण नहीं है,
लेकिन थायराइड का रियल रीजन स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। तो ऐसे कई हार्मोनल चेंज स्ट्रेस से क्रिएट होते हैं। स्ट्रेस में लेडीज की मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, आदमी के भी हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं स्ट्रेस से। तो हार्मोनल इंबैलेंस का इनडायरेक्ट प्रभाव जो है वो हमारे स्किन पे गिरता है। जैसे कि लेडीज को पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो उसके चेहरे पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल उगने शुरू होते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ आते हैं और इस एरिया में बाल आते, पर्टिकुलर ये एरिया और इस एरिया में बाल आते हैं और यहाँ पे बाल बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंज कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये हार्मोनल चेंज फिर स्किन पे भी असर करता है और अनवांटेड हेयर भी उगते हैं लेडीज के चेहरे पे, आदमी को भी ये हार्मोनल चेंज डिस्टर्ब करता है। स्किन इंजरी, कभी कभी ऐसा जख्म होता है कि वहां पे एक निशान रह जाता है। अब पहले का जमाना अलग था, आप तो सर्जरी वगैरह बहुत कुछ आया, आपको मालूम है छप्पन टिकली यानी वो जो माता आती है उसके चेहरे पे वो धब्बे धब्बे हो जाते हैं, उसको छप्पन टिकली बोलते हैं। उसको भी ठीक करने तक का लेवल, उसको भी ठीक करने तक का साइंस आ चुका है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आज की तारीख में उसे भी ठीक कर सकते हैं, उस लेवल पे स्किन में रिसर्च हो चुकी है, यानी वो खड्डे जाएंगे। कुछ लोगों को पिंपल्स बहुत हुए थे, बहुत नोच नोच के उसके अंदर से केमिकल वो सब कचरा निकाला था जिसके वजह से खड्डे खड्डे हो गए, उसकी भी ट्रीटमेंट आ चुकी है। मतलब साइंस ने डेफिनेटली बहुत तरक्की की है, ये पक्की बात। ओके, कुछ मेडिसिन की साइड इफेक्ट, कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है, कुछ मेडिसिन खा ली स्किन खराब हो गई, और ऐसा होता है। नेक्स्ट, अब हमारे अंदर स्किन के ऊपर कई बायोलॉजिकल फंक्शन है, उसका असर होता है। तो अपनी कंपनी सामी जो रिसर्च कर रही थी कि कोई नेचुरल बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट केमिकल हमारे अंदर क्या चेंज ला सकता है, इसीलिए सामी जो है ये 25 साल क्रॉस कर चुकी है कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 1988 में डॉक्टर मोहम्मद माजिद जी ने इसके स्थापना की अमेरिका के अंदर सेविंसा कॉरपोरेशन के रूप में। ये आदमी 1975 में स्कॉलरशिप से अमेरिका गए थे, वहां जाकर एमएस की डॉक्टरेट की डिग्री ली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रिसर्च की एक जानकारी मिले। और उन्होंने फाइजर नाम की कंपनी में काम शुरू किया और फाइजर कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड थे। फाइजर यानी एलोपैथी दवाई बनाने वाली कंपनी, डॉक्टर साहब वहां पर आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन पर काम करते थे। दवाई के आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन जिसकी इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों का पता रहता है कंपनी को रिसर्च के दौरान। लेकिन 88 में एक आर्टिकल जब उन्होंने पढ़ा डॉक्टर लाइनस पॉलिंग का, जिसमें उन्होंने पहली बार बताया था ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं, ये पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। और उस वक्त जॉब इसलिए छोड़ी, एक आइडिया जिंदगी बदल देता है, और वो एक आइडिया ये था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जड़ी बूटी है, जरूर उसमें कोई नेचुरल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन होगी। इस आइडिया को लेकर उन्होंने काम की शुरुआत की थी और 88 से अपना खुद का संशोधन शुरू किया। पहले रॉ हर्ब देते थे, उससे कुछ पैसा कमाने के बाद उन्होंने रिसर्च में अपना दिमाग लगाना शुरू किया। और ऐसा करते करते सबसे पहले उन्होंने काली मिरी में से मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन निकाली जो बॉडी को फायदा करता है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री चेन नेचुरल, और ये प्रूव कर दिया क्या फायदा क्या नुकसान होता है। ऐसे करते करते आज की तारीख में 98 पैटर्न है। पहले उन्होंने ध्यान दिया किस तरह ये नेचुरल चेन इंसान को हेल्दी रखे, किस तरह वो चेन बीमारी में से बाहर लाने को मदद करे। लेकिन साइड बाय साइड उनको ये भी समझ में आ गया कि हम अगर इसमें शोधन कर रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, तो क्यों ना हम इसमें कॉस्मेटिक में भी संशोधन करें। तो जैसे फार्मास्यूटिकल यानी आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेन जिसके इफेक्ट साइड इफेक्ट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल जिसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये क्या फायदा करेगा, उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। कॉस्मेटिक जिसके आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेन है, आर्टिफिशियल केमिकल है, इसी तरह ये कॉस्मेस्यूटिकल है, नेचुरल कॉस्मेस्यूटिकल सामी का है। सामी का नेचुरल कॉस्मेस्यूटिकल किस तरह हमारे स्किन पे पॉजिटिवली इफेक्ट देगा,
आर्टिफिशियल की बजाय। कॉस्मेटिक मतलब आप जैसे है वैसे नहीं दिखकर एक लेयर तैयार करके एक अलग दिखते हो, और कॉस्मेटिकल यानी आप जैसा दिखना चाहते हो रेगुलर यूज करते वैसे दिखने लगोगे, इतना फर्क है। तो वो ड्रामा है, ये हकीकत है कि नहीं? ड्रामा और हकीकत में अंतर है। तो वो ड्रामा कर रहे कि मैं बढ़िया दिख रहा हूं, लेकिन ये ड्रामा करते करते एक साल में ड्रामा सही हो जाएगा, अरे वाकई जैसा चाहते वैसा अच्छा दिख रहे हम। चलिए अब कंपनी के जो फाइटोब्राइट है, फाइटोब्राइट इसके 6 अलग अलग प्रोडक्ट है, 6 डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे सबसे पहले व्हाइटनिंग क्लींजर, व्हाइटनिंग क्लींजर है, व्हाइटनिंग मास्क है, डे लोशन, डार्क स्पॉट करेक्टर, व्हाइटनिंग एसेंस एंड व्हाइटनिंग नाइट क्रीम, ये 6 मेन प्रोडक्ट है यहां रखे हुए हैं। अब हम पहले प्रोडक्ट से इसकी शुरुआत करेंगे और इसकी जानकारी लेना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि फाइटोब्राइट के सारे प्रोडक्ट के अंदर कंपनी के कॉस्मेस्यूटिकल 4 मॉलिक्यूल है। ये 4 मॉलिक्यूल को सामी ने खुद ढूंढा है, खुद की रिसर्च है, खुद की पेटेंट है, किसी से लिया नहीं जाता है, अपने लेबोरेटरी में ढूंढ कर इसको प्रूव किया है। इस 4 मॉलिक्यूल को अपनी खुद की लेबोरेटरी में खुद ढूंढ कर प्रूव किया है। अब ये इतना पावरफुल है कि हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेबी व्हाइट, इसको व्हाइट टर्मेरिक कहते हैं, यानी सफेद हल्दी, लेकिन ये बना है उसी हल्दी में से। आपको पता होगा कि हल्दी को यूज करना हमारी प्राचीन परंपरा है, जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, शादी में हल्दी, हल्दी कुंकू, हल्दी हल्दी। हल्दी लगाने से स्किन टोन एंड टेक्सचर चेंज होता है, लेकिन कोई भी येलो दिखना पसंद करेगा क्या? नहीं। और आप हल्दी लगा लो आपकी स्किन शाइनिंग करेगी, लेकिन साथ में एक पीला कलर भी छा जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगी। इसीलिए कंपनी ने संशोधन कर कर करके उसमें से सेबी व्हाइट मॉलिक्यूल निकाला। सेबी व्हाइट, सेबी व्हाइट क्या है? हल्दी का एक्सट्रैक्ट, एक स्पेशल मॉलिक्यूल सेबी व्हाइट। पूरे दुनिया के अंदर इसकी बोलबाला है, प्रूवन है कि ये सेबी व्हाइट जो है स्किन का कलर चेंज करता है, स्किन लाइटनिंग एजेंट है। तो देखिए किस तरह प्रूव करता है। आप देखिए सेबी व्हाइट की ऑरा वैल्यू है 10,786। अरे वेरी पावरफुल 786। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट व्हाइटनिंग के लिए मिलते हैं उसके अंदर कॉमनली आप हमेशा पढ़िए, कोई कहता है कि 7 दिन के अंदर गोरे हो जाएंगे। कभी आपने उस ट्यूब के ऊपर पढ़ा है क्या लिखा? अब पढ़ना जरूर, इस स्लाइड को देखने और जरूर पढ़ना। आप मार्केट में बड़े से बड़े ब्रांड को उठाएंगे तो आपको ये पहला छोड़ के नीचे वाले 3 दिखेंगे, और पहला वाला गलती से दिख गया तो समझ लीजिए सामी ने उसको दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? ओके, तो सेबी व्हाइट जिसकी ऑराक वैल्यू 10,786 है, लेकिन कोजिक एसिड मार्केट में कॉमनली यूज होता है। कोजिक एसिड, वही स्किन के स्पेशलिस्ट होंगे तो उनको मालूम होगा, जिसकी ऑराक वैल्यू 0 है। विटामिन सी जिसकी ऑराक वैल्यू 3,400 है, और आर्बुट्रिन यूज होता है कॉमनली स्किन व्हाइटनिंग के लिए, जो बहुत सस्ती क्रीमें आती है उसमें जनरली यही रहता होगा, आप देखिएगा जरा ट्यूब को, आर्बुट्रिन ये यूज होता है। इसका मतलब मार्केट में जो भी उपलब्ध है उससे सबसे टॉप हुआ कि नहीं? मैंने क्या कहा था कि जब हम ब्यूटी कॉन्शियस के जमाने में एंटर हो रहे हैं, और डेफिनेटली हम ब्यूटी कॉन्शियस में ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। ये जानकारी जरूरी है? डेफिनेटली जरूरी है। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा कि सेबी व्हाइट के कंपैरिजन में बाकी के सब मॉलिक्यूल वो रिजल्ट नहीं देते हैं। हम पैसा खर्चा करते हैं रिजल्ट के लिए, नहीं कि पैसा बर्बाद करने के लिए खर्चा करते हैं। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कब मिलता है? रिजल्ट उसी चीज का मिलता है जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, लैब में प्रूव किया हो, इंसान पे प्रूव किया हो। आगे देखेंगे हम ये बात को भी। अब आप देख सकते हैं कि ये
यूज किए बिना का है, सभी वाइट को यूज किए बिना है। और यहां देखिए 3 माइक्रोग्राम यूज किया है, 3 माइक्रोग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम का 1/4 हिस्सा, 1 मिलीग्राम मतलब 100 है, तो ये 3 उसमें से यूज किया, 1 मिलीग्राम का 3%, जिसको 3 माइक्रोग्राम कहते हैं, माइक्रोग्राम मिलीग्राम का, यह यूज किया। ये सेबीवाइड यूज किए बिना ये था, यूज किया तो ये हुआ। और इसमें देखिए 6 माइक्रोग्राम यूज किया, 6 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम का 100 में से 6 हिस्सा, तो ये कंडीशन हो गई। यानी कि साइंटिफिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबोरेटरी में कई बार प्रूव किया कि सेबीवाइड ऐसा रिजल्ट देता है, तो देता ही है। अब हमने कुछ चीजें और देखी थी, क्या इसका ऐसा प्रूवन स्टडी है, डॉक्यूमेंट है क्या, तो कंपनी ने यह सब रिसर्च करके डॉक्यूमेंट पेश किए हैं अद्भुत तरीके से। तो इस तरह इसका मतलब ये प्रूवन है। अभी कोई शंका कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च होने जा रहे हैं, हो चुके हैं और होने वाले हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे साइंस होगा। सामी यानी साइंस, साइंस यानी सामी, सामी का ही दूसरा नाम साइंस है, साइंस का ही दूसरा नाम सामी है। एक समय आएगा लोग बोलेंगे सामी, आप बोलोगे साइंस तो लोग बोलेंगे सामी, क्योंकि आपको तो सामी पता ही है, लोगों ने बोलना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के, तो आप क्या बोलते हैं? पोलियो। ये सुनो, हाँ वैसा आप बोलोगे साइंस तो लोगों ने बोलना चाहिए सामी। उस लेवल पे पूरे वर्ल्ड में सामी साइंस छाने वाला है। इनर हेल्थ, इनर हेल्थ एंड आउटर हेल्थ दोनों के अंदर ये छाएगा, लेकिन आज का सब्जेक्ट आउटर हेल्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब देखिए ये सेबीवाइड जो है, इसके ट्रायल लिए गए, फिलीपींस में लिए, कई जगह लिए गए, 0.25% और इधर 4%। तो 4% हाइड्रोक्विनोन यूज किया तो जो रिजल्ट आता है, हाइड्रोक्विनोन का जो रिजल्ट आता है 4%, वही रिजल्ट 0.25 सेबीवाइड का आता है, 0.25%। लेकिन कॉमनली हाइड्रोक्विनोन यूज होता है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन की साइड इफेक्ट है, कई प्रोडक्ट में मार्केट के अंदर हाइड्रोक्विनोन यूज होता है, उसकी साइड इफेक्ट है, स्किन रेड होती है, स्वेलिंग होता है, और भी कई साइड इफेक्ट है। गूगल में जाके हाइड्रोक्विनोन डालिए और उसकी साइड इफेक्ट ढूंढिए, आपको मिल जाएगा जवाब। तो इसका मतलब कि मार्केट के कई प्रोडक्ट में हाइड्रोक्विनोन है, उससे टेम्पररी रिजल्ट तो दिखेगा लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी दिखेगी। यहां पे क्या है, 0.25% सेबीवाइड यूज किया गया और उसके कंपेरिजन में 4% हाइड्रोक्विनोन यूज किया गया, तो दोनों का रिजल्ट सेम देखा गया। डिपिगमेंटेशन एजेंट के रूप में यूज किया गया, यानी पिगमेंटेशन कम करने के लिए, डिपिगमेंटेशन यानी पिगमेंटेशन कम करने के लिए हाइड्रोक्विनोन यूज किया जाता है मार्केट में, कई पिगमेंटेशन है तो, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट होती है, अपना स्पॉट करेक्टर है ना, पर्टिकुलर जगह पर पिगमेंट को चेंज करना, पिगमेंटेशन बोलते हैं उसको, आगे आएगा उसके बारे में। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं कर रहे, प्रोडक्ट की बात आगे आएगी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर, अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर की साइंस की बात चल रही है। तो पहला मॉलिक्यूल हम देख चुके हैं सेबीवाइड, दूसरा है टेरोवाइट। ये टेरोवाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका भी कंपनी ने पेटेंट लिया हुआ है कोरिया के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी ऑराक वैल्यू 12,508 है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी मींस एंटी एजिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी मींस एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑराक वैल्यू 12,508 ऑराक वैल्यू इसकी है। इसका भी एक लेबोरेटरी में स्टडी किया गया कि जब टेरोवाइड यूज नहीं किया तो ये था और टेरोवाइड यूज किया तो ये है, 90% जो है रिजल्ट आ गया। कितना यूज किया गया? 0.55 माइक्रोग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम का 1/4 हिस्सा भी नहीं यूज हुआ, मतलब कितना छोटा माइक्रो लेवल पे यूज हुआ, माइक्रो लेवल पे तो ये रिजल्ट आया। तो आप सोचो कितना माइक्रो लेवल पे जब ये यूज होता है और इतना भारी रिजल्ट आता है, तो क्या जब कोई इंसान इसको रेगुलर आपके जीवन में यूज करेगा तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा?
क्योंकि ये रिसर्च है। हमेशा आप देखते जाइए कि मार्केट में क्या यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। तो इस तरह ये टेरोवाइट को प्रूव किया गया। अब है लिकोरेस, लिकोराइस। इसके अंदर एक ग्लेबरीडिन करके एक मॉलिक्यूल होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसकी ऑराक वैल्यू 3256 है। ये टायरोसिनेज इनहिबिटेंट है। टायरोसिनेज इनहिबिटेंट यानी कि टायरोसिन के प्रोडक्शन को जब कम करेगा तो डेफिनेटली मेलानिन कम बनेगा। मेलानिन कम बनेगा तो स्किन डार्क होनी कम होगी। पर आप रोज लगा रहे टायरोसिनेज कम होगा तो नेचुरल स्किन का कलर खुलते जाएगा। इस तरह ये साइंस है। ये मेलानिन इनहिबिटेंट प्रॉपर्टी जो है कॉस्मोप्रिन जो है इस पे थोड़ा हम ध्यान देंगे। इसको ब्लैक पेपर में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। कॉस्मोप्रिन को ऑप्टेन फ्रॉम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी में से 98.5% टेट्राहाइड्रोपाइप्रिन निकाला गया। 98.5% टेट्राहाइड्रोपाइप्रिन ढूंढा गया। ये दुनिया की सर्वोच्च रिसर्च है। ये रिसर्च की प्रोसीजर, ये रिसर्च की टेक्नोलॉजी इस दुनिया में सिर्फ एंड सिर्फ सामी के पास है। ये क्लिनिकली टेस्टेड है और स्ट्रॉन्ग भी है और सेफ भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या देखेंगे हम, सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे टेट्राहाइड्रोपाइप्रिन को थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड 2005 में मिला और अपनी कंपनी को 2004 में पोर्सलिन के ऊपर थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला था। ये दूसरा थॉमस अल्वा एडिसन। टोटल इस कंपनी को 3 बार थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़े अवार्ड को ऑस्कार कहते हैं। तो साइंस की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड को थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड कहते हैं। किसको मिलता है ये अवार्ड? साल में एक ही जन को दिया जाता है, एक रिसर्च के लिए एक ही बार दिया जाता है। जिस साल ये जिसको मिलता है उस साल इस पृथ्वी के ऊपर उस खोज को दिया जाता है। इस पृथ्वी के ऊपर साल में एक बार उस साल में जो मानव जाति के लिए सबसे सर्वोच्च खोज होती है उस खोज को ये दिया जाता है। 2005 में इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए सर्वोच्च खोज जो है वो यही थी, क्योंकि इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज है। बायोप्रिन मतलब बायोप्रिन अपने कई प्रोडक्ट में बायोप्रिन है। बायोप्रिन क्या है? बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि पोषक तत्वों को सेल्स में एंटर करने के लिए प्रोसीजर तैयार करता है ताकि पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर पहुंचे। मान लो कि एक विटामिन की गोली का फायदा 1 रुपया होने वाला है, उसमें 2 या 3 mg बायोप्रिन होगा जो ब्लैक पेपर से निकाला जाता है, तो क्या होगा उसका फायदा 1.5 या 2 रुपया होगा। 1 रुपये का गोली का फायदा 1 रुपया हो ये भी जरूरी नहीं, हो सकता वेस्ट ही जाए आपकी बॉडी की प्रोसेस ठीक ना हो तो इसको लेने से ये बायो एनहांसर बनता है। तो इसी तरह यहां पर टेट्राहाइड्रोपाइप्रिन जो है वो कॉस्मेटिक में कंपनी यूज करती है। इसका अपना एक महत्व का रोल है, हम आगे देखेंगे। ये क्या करता है? डर्मल पेनिट्रेशन यानी कि स्किन के अंदर कुछ चीज को पेनिट्रेट करना, यानी कि अंदर पुश करके भेजना। पुश नहीं करता लेकिन एक प्रोसेस से वो अंदर एंटर होता है। पुश शब्द यूज ठीक नहीं है, पेनिट्रेट एक प्रोसीजर से होता है, वो अंदर चला जाता है। यानी कि और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये अंडे की भी कोटिंग को क्रॉस करके जाता है। यानी कि जब स्किन पे लगाया तो ये इसको क्रॉस करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, अंडे की कोटिंग में भी ये पेनिट्रेट कर देता है। इस दुनिया की सर्वोच्च खोज होने के कारण 2005 में थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला। दुनिया के कोई भी कॉस्मेटिक में ये नहीं है सिवाय की जोहरा में। बहुत बड़ी बात है ये। अब
इसको लेबोरेटरी में प्रूव किया कि ये फोर्सकोलिन एंड ग्रीन टी पॉलीफिनॉल, ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें पॉलीफिनॉल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉलीफिनॉल विदाउट टेट्राहाइड्रोपाइप्रीन एंड विद टेट्राहाइड्रोपाइप्रीन क्या रिजल्ट आता है। इसलिए टेट्राहाइड्रोपाइप्रीन फोस्कोलिन के साथ इंपॉर्टेंट है, पॉलीफिनॉल के साथ इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिजल्ट बढ़िया देगा, परसेंटेज इंक्रीज होता है। आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए टाइम लिखा है, टाइम लिखा है बराबर 5 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट, क्या फर्क आया। और यहां देखिए यहां कितना है, 15 मिनट और 30 मिनट। ये ओनली यूज करने थे ओनली, और ये विद टेट्राहाइड्रोपाइप्रीन के साथ, तो जब टेट्राहाइड्रोपाइप्रीन के साथ यूज किया गया तो इसका पेनिट्रेशन डीपर लेवल में हुआ, अच्छी तरह हुआ और बढ़िया हो रहा है, ये हम देख पाते हैं। ये लेबोरेटरी में इस तरह प्रूव करके कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि ये प्रोडक्ट के ऐसे रिजल्ट आते हैं। अब कंपनी का एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है ओलिपेंट करके, ओलिपेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कंपनी ने ढूंढा हुआ है, ये अपने आप में एक जबरदस्त है, कंपनी ने इसको भी पेटेंट किया हुआ है। इसका काम है कोलेजन को रीबिल्ड करना, हमारे स्किन के नीचे कोलेजन नाम का एक तत्व होता है, उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन जो है, कोलाइजन जो है वो कोलाइजन कम होने लगता है उम्र बढ़ने के साथ, इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू होती है। क्या कोई चाहेगा उसके चेहरे पे झुर्रियां आए? नहीं चाहेगा। झुर्री कम करना चाहेगा और झुर्री ना आए यही चाहेगा? अगर झुर्रियां कम करनी है चेहरे की आपको, तो उसके लिए चाहिए ओलिपेंट। अब ये ओलिपेंट जो है उसके ऊपर कंपनी ने संशोधन किया, बहुत बड़े लेवल पे कई सालों तक संशोधन किया, और ये संशोधन अपने आप में एक अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत संशोधन है। देखिए क्या है, सबसे पहले इलास्टिसिटी इनहिबिटेंट, यानी कि इलास्टिसिटी जानी नहीं चाहिए आपके चेहरे की, इलास्टिसिटी जानी नीचे, अगर आप मुस्कुराते हैं तो बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी एक आपके एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं, यस और नो? इलास्टिसिटी चाहिए, तो इलास्टिसिटी को देखिए अप टू 80% इंक्रीज करता है, मतलब बढ़िया रिजल्ट है, अप टू 80% इंक्रीज करेगा। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके इलास्टिसिटी जो है चेहरे के स्किन की 80% इंप्रूव होगी। गुड, कोलेजिनेस इनहिबिशन, यानी कि कोलाइजन जो स्किन के नीचे है उसको कम होने से ये बचाएगा, जैसे जैसे कोलाइजन कम होगा स्किन के नीचे वैसे वैसे आपके चेहरे पे झुर्रियां बढ़ते जाएगी, ये झुर्रियों को कम करेगा। तो कितने लेवल तक कम करने की क्षमता रखता है चेहरे के ऊपर रिंकल, रिंकल क्या बोलेंगे, झुर्रिया, रिंकल जो आ जाता है, झुर्रिया आ जाता है, उस झुर्री को ये कम करेगा, कितना कम करेगा, अप टू 86%। आप सोचो एक आदमी के चेहरे पे झुर्रिया है और उसको लगातार वो यूज करे प्रोडक्ट को और 86% अगर झुर्रिया कम हो जाए तो आपको क्या लगता है वो आदमी में डिफरेंस दिखेगा 10 साल का, 10 साल पहले वाला आदमी दिख सकेगा या 15 साल पहले वाला? तो आदमी 15 साल पहले वाला दिखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हाँ, तो कितना बढ़िया है। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो यूज करेगा, उसका मेंटेन रहेगा, या उसको मेंटेन करो या प्रॉब्लम है तो उसको रिवर्स लाओ। स्वास्थ्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका खूबसूरती का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको फेस प्रॉब्लम है, आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको झुर्रिया है कि नहीं, आपको हाई बीपी नहीं है लेकिन आपको ब्लैक स्पॉट है चेहरे पे, आप समझ रहे मेरी बात को? तो हम खाली यही सोचे कि मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं होगी।